हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग विद डॉक्टर वैदेही। तो आज चलो देखते हैं कुछ इजी टिप्स हमारे प्लांट्स को पेस्ट से बचाने के लिए। आपके हर पॉट में आपको एक गार्लिक की पेटल या फिर स्मॉल ओनियन लगाना है, फिर वो प्लांट्स इंडोर हो या आउटडोर हो। जिस प्लांट्स में आपको लगता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उस प्लांट में आप ज़रूर लगाना। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक गार्लिक की पेटल या फिर छोटा ऑनियन को लगाना है, ओके, और एक ग्राउंडनट भी लगाना है। गार्लिक और ऑनियन जो होता है वो एक फंगीसाइड का काम करता है, और ग्राउंडनट जो होता है, ग्राउंडनट मतलब मूँगफली, उसकी एक दाना लगा सकते हो आप, वो नेचुरली नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को। नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे लीव्स को ग्रीन और बड़ा बनाने के लिए ज़रूरत होती है। ये राइजोबियम जो एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में मौजूद होता है, वो प्लांट्स को हेल्प कैसे करता है, नाइट्रोजन को नेचुरली फिक्स करके, एयर में जो नाइट्रोजन होता है उसे फिक्स करता है, ओके, और ये प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो खुद को क्या करता है, प्लांट्स को अटैच करता है, फिर रूट्स में, बेसिकली फिर रूट्स में उसके नोड्यूल्स बनाते हैं। नोड्यूल्स मतलब गार्ड जैसे बनाता है, और ये इस नोड्यूल्स के अंदर वो रहने लगता है, और ये नोड्यूल्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसे अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और फिर प्लांट्स को उसे प्रोवाइड करता है। ये एक सिंपल फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, ओके, और अमोनिया एक सिंपल फॉर्म है जहाँ प्लांट्स उसे यूज़ कर सकते हैं। आप अमोनिया के लिए, नाइट्रोजन के लिए यूरिया यूज़ करते हो, एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। देखो, ऑर्गेनिकली आप आराम से इसे बना सकते हो। जियो मैन्यूर में हम ये सारे बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, जितने भी नेचुरली बैक्टीरिया जो काम करते हैं, बैक्टीरिया और फंगीज, उन सबको हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम जियो मैन्यूर को एक कम्प्लीट फूड कहते हैं। ये क्या होता है, नाइट्रोजन और ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये आपको नाइट्रोजन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरह से होती है। अब देखते हैं और गार्लिक और अनियन क्यों लगाना है। गार्लिक और अनियन अगर आप देखोगे तो उसमें एक एरोगेंट स्मेल होती है, जिसकी वजह से कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट या फिर एंट्स भी इससे इसके करीब नहीं आते। सो ये थे कुछ टिप्स आपके प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए। ये गार्लिक और ऑनियन के लीव्स तो आप रेगुलर बेसिस पे हार्वेस्ट कर सकते हो किचन के लिए, तो ये हेल्दी भी होते हैं और आपको इजीली अवेलेबल भी होंगे। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ इसे यूज़ किया करना, और आपके पास और भी कोई टिप्स हो तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।